हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस इंजन को रिपेयर करने के लिए हैं, यानी इसका डीजल सप्लाई नहीं हो रहा था तो हमने इसका सामान निकाल के रखा है और साथ में इसका फिल्टर भी बदला है। यहाँ देख सकते हो पुराने वाले, अभी यहाँ पर नया लगा है। अब इस टैंक के अंदर डीजल नहीं है तो डीजल लाने के लिए कर गया है वो। अभी हम इस इंजन के बारे में और इसका वर्क क्या है हम बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन, यहाँ पर बैटरी रिचार्ज के लिए यहाँ पर डायनमो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिया गया है, राइट साइड में फ्यान, और इसको डायरेक्ट वाटर सप्लाई है। जैसा इसको रेडिएटर यहाँ पर आप देख सकते हो, वो वाला रेडिएटर एक्चुअली था तो उसने निकाल दिया है, और साथ में सिर्फ फ्रेश वाटर यहाँ पर अप एंड डाउन यहाँ पर नीचे से यहाँ पर जाएगा, और ऐसा हो कि वाटर बॉडी से फिर रिटर्न पानी इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर टैंक है जो हेयर क्लीनर साफ करने के लिए, और ये डीजल फिल्टर्स हाफ लीटर वाला। यहाँ पर आप ओल्ड मॉडल बस पंप यहाँ पर देख सकते हो कि साथ में है, और इसको फिल्टर वगैरह जो भी डीजल है यहाँ पर आप देख सकते हो इस बॉटल के अंदर से, मतलब कैन के अंदर से अब डीजल सप्लाई होता है, और रिटर्न पाइप भी यहाँ पर दिया गया, और यहाँ से भी डीजल नहीं आ रहा था इसका भी हम सप्लाई बताएंगे। और नीचे जो है वो फ्यूल ऑयल फिल्टर है, इसको पूरे बेस नीचे ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे गाड़ियों की जैसा यहाँ पर दिखेगा वैसे यहाँ पर सेम सेटिंग किया गया है, और जैसा यहाँ पर नॉर्मली सेल्फ स्टार्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। पोल्यूशन लबर एस्टिस पुराना ही मॉडल में, यहाँ आप देख सकते हो एक्सेलेटर यहाँ पर सेटिंग है, नॉर्मली वहाँ से आता है ना तो यहाँ पर सेटिंग आउट यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से घुमाने से रेस होएगा है, यानी जैसा फुल टाइट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा लूज़ हो जाएगा, और रिटर्न ऐसा रिवर्स करेंगे तो उसका एक्सेलेटर बढ़ जाएगा। यहाँ पर गेट सिस्टम ओल्ड मॉडल जो यहाँ पर दिख रहा है गेट सिस्टम है, ये जो है क्लच है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको दबाने से क्लच यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यानी अब क्लच यहाँ दबने के बाद ये गियर को डालेंगे। जैसे ये जितने भी गियर है फोर गियर्स एक्चुअली, वो फोर गियर यूज़ करके आपको जितना स्पीड होना पड़ेगा उतना स्पीड ये घुमाएगा। और पीछे फ्लांच की जगह यहाँ पर देख सकते हो, अभी फ़िलहाल इसके फ्लांच टूट गया है, उसमें दिक्कत है, अभी ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो कितना प्ले है, इस प्ले आने से भी घूम नहीं पाता है। यहाँ आप देख सकते हो कुछ देर में आपको व्हीकल स्टार्ट करके, यानी इंजन स्टार्ट करके आपको बताएंगे। नॉर्मली आप देख सकते हो जो ओल्ड मॉडल टाइप है उसी तरह यहाँ पर है, बैटरी वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हो गियर सिस्टम, ये वाला गियर, वो वाला क्लच, यानी इसको हैंडल करने के लिए सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, या नीचे सेल्फ स्टार्ट करना है, और इस तरह से क्लच यहाँ पर दबा के इस तरह से क्लच दबा देंगे रिवर्स रिटर्न में। अभी वो दब गया है, उसके बाद गियर डाल देंगे। अभी यहाँ पर ऐसा तो इस तरह से पीछे दबाने से क्लच दब गया, और एक हाथ से यहाँ पर गियर डालना पड़ेगा। कुछ देर में आपको स्टार्ट करके बताऊंगा। अभी डीजल लेकर आया है 20 लीटर तक, अभी हमने मेन पाइप और रिटर्न पाइप दोनों उसमें लगा दिया है, और फिल्टर भी यहाँ पर लगा दिया, और साथ में हेयर भी निकाल दिया है। अभी व्हीकल स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे अभी इंजन से फ्यूल से आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी इंजन स्टार्ट करेंगे, अभी इंजन स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। देख सकते हो डीजल टैंक से रिटर्न वाल्व आ रहा है,
बटन भी आ रहा है यहाँ पर। गियर डाल, अभी वो क्लच दबाएंगे। हाँ क्लच दबा, अभी गियर डाल रहा है, ऐसा वहाँ देख सकते हैं। गियर अभी नहीं गिरा है, अभी गियर गिर गया है। वो एक्सीलेटर है, सामने गियर और ये वाला क्लच, क्लच है। अभी वाटर बॉडी से पानी इधर आ रहा है।